हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले तीन बजट TWS ईयरफोन्स जो मुझे ऐसा लगता है प्राइस के हिसाब से भाई बहुत ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे सबसे सस्ते वाले हमारे पास है ट्रू बड्स Q1, ये है 1300 रुपए के। उसके बाद रियलमी के नए बड्स Q2 नियो, ये है 1600 रुपए के। एंड तीसरे हमारे पास है साउंड कोर R100, ये आपको देखने को मिलते हैं 1800 रुपए में। भाई ट्रूक बड्स Q1 ना 1300 रुपए में एक डील ब्रेकर है और मुझे सही में देखना है कि ये इन दोनों से क्या अच्छे हैं या इन दोनों से कम्पीट कर पाते हैं या आपको सही में 1500 या 1500 के ऊपर ही खर्च करने पड़ेंगे एक अच्छे TWS के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। Q2 नियो आपको कॉबल शेप डिजाइन मिलेगा, थोड़ा सा पत्थर डिजाइन है, मैट फिनिश। साउंड कोर की बात करूं, ये पूरा ग्लॉसी देखने को मिलता है, ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते हैं, बाकी केस की क्वालिटी अच्छी है। ये लिड की क्वालिटी स्पेशली मुझे काफी अच्छी लगी है, खुल के लॉक होती है, जब तक आप ऐसे लॉक से हटाओ नहीं ये बंद नहीं होती है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। ट्रूक की आपको पूरी मैट फिनिश में देखने को मिल जाती है और ये केस काफी अच्छा दिखता है। यहाँ पे ट्रूक एंड साउंड कोर में टाइप सी मिलेगा और रियलमी ने पता नहीं क्यों यहाँ पे माइक्रो USB दे दिया। 1600 रुपए में आपको आजकल 1300 के प्रोडक्ट में टाइप सी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं बड्स की। अगर मैं रियलमी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको स्टेमलेस डिजाइन देखने को मिलेगा गैलेक्सी बड्स के जैसा, उसी जगह साउंड कोर एंड ट्रूक आपको स्टेम डिजाइन देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से मैं स्टेम डिजाइन ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। बट अगर मैं रियलमी की बात करूँ ना तो कंफर्ट में बुरे तो नहीं है, 2 से 3 घंटे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा ईयर पेन होता है। रियलमी के बाद में ऊपर जो टच एरिया है वहां पे आपको अच्छी डिजाइन देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी। आपको ट्रूक में मिलता है ब्लूटूथ 5.1, रियलमी एंड साउंड कोर में मिलेगा ब्लूटूथ 5। ट्रूक एंड रियलमी ये दोनों को फोन से कनेक्ट करना है तो आपको खोलना है और बड्स को बाहर निकालना है। इसी जगह साउंड कोर में सिर्फ आपको ये डब्बी खोलनी है, 2-3 सेकंड में आपके फोन से पेयर हो जाएंगे। सो डेफिनेटली कनेक्शन प्रोसेस यहाँ फास्ट है। मोनोपोड फीचर तीनों में ही काम कर लेता है। मैंने रियलमी में एक ये चीज नोटिस की, जब मैं दोनों बड्स यूज कर रहा था और मैंने एक बड निकाल के इसके केस में वापस डाला, जब मैंने उसे डाला ना तो दूसरे बड में जो मैंने एक्चुअली पहना था उसमें 1-2 सेकंड के लिए आवाज बंद हो गई थी एंड देन फिर से वो कंटिन्यू हुआ। बाकी मोनोपोड फीचर तीनों में अच्छा काम कर लेता है। अब बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटीज। तीनों में 10mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं और तीनों का साउंड प्रोफाइल काफी सिमिलर है। भाई ये 1300 रुपए का ट्रूक है, इसमें साउंड प्रोफाइल्स आपको रियलमी एंड साउंड कोर जैसी देखने को मिल जाती है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, रियलमी में आप ऐप से बेस बूस्ट प्लस मोड भी ऑन कर सकते हो जहां आपको थोड़ा सा बेटर बेस देखने को मिलेगा। साउंड कोर में भी बेस अप मोड दिया है बट वो इतना अच्छा काम नहीं करता है, तब नॉर्मल एंड बेस अप मोड में मुझे हार्डली कोई डिफरेंस लगा। अगर मैं तीनों की बात करूं, तीनों में ही बहुत ज्यादा हाई बेस नहीं है, बैलेंस्ड बेस के आसपास है। ट्रूक में 1300 रुपए के हिसाब से साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छा है एंड इन दोनों से कम्पीट कर रहा है 100% यस। वोकल्स तीनों में ही हल्के हल्के मफल्ड आते हैं, हल्के हल्के, बाकी हाइज एंड लोज अच्छे हैं, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है, होटल कैलिफोर्निया जैसा गाना सुना और भाई अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन देखने को मिला, बचपन का प्यार भी सुन लिया भाई, वहां पे भी अच्छा म्यूजिक क्वालिटी देखने को मिला। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं, क्या ये एक्स्ट्रा 300 या 500 रुपए देने लायक है अगर इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी? नहीं, 1300 रुपए के ट्रूक में ऑलमोस्ट 98-100% सिमिलर साउंड प्रोफाइल देखने को मिलता है इन दोनों प्रोडक्ट से। भाई वीडियो देखते यहां तक आ गए ना तो स्टूडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। अब बात करते हैं ऐप सपोर्ट। रियलमी में आपको मिलेगा रियलमी लिंक ऐप। iOS में मैंने रियलमी लिंक ऐप डाउनलोड किया पर वहां पे मैं Q2 नियो को ऐड नहीं कर पा रहा था। एंड्रॉइड में Q2 नियो का सपोर्ट दिखा मुझे रियलमी लिंक ऐप में, मुझे ऐसा लगा आपको बताना चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। रियलमी लिंक ऐप में आप बेस बूस्ट मोड, टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। अब टच कंट्रोल्स की बात करें तो ट्रूक एंड डीजो, रियलमी है पर पूरे डीजो जैसे है, ट्रूक एंड रियलमी यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे साउंड कोर यहाँ पे आपको बटन्स मिलते हैं। बटन्स अच्छे हैं, हाँ मैंने जैसे अपने रिव्यू में बताया था साउंड कोर के बटन का क्वालिटी अच्छा है, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस करना नहीं पड़ता, सॉफ्ट प्रेस है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, जब आप ऐसे ऐसे हिलते हो ना तो बटन अंदर टक 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 हिलते हुए थोड़े से फ्लिमजी बटन से अंदर आवाज आती है। टच कंट्रोल्स आपको ऑलमोस्ट सारे देखने को मिल जाते हैं। ट्रूक में वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है, उसी जगह साउंड कोर में वॉल्यूम कंट्रोल है। अब बात कर लेते हैं माइक क्वालिटीज, तो ये सुनो। तो बट जब भी मैं यूज कर रहा हूँ ट्रूक के बड्स Q1, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा, मेरे पास फुल स्पीड में फैन भी शुरू है, ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल्स की माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। तो बट जब भी मैं यूज कर रहा हूँ रियलमी के बड्स Q2 नियो, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा, मेरे पास फुल स्पीड में फैन भी शुरू है, ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल्स की माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। तो फ्रेंड जब भी मैं यूज कर रहा हूँ साउंड कोर के R100, मैं मेरे स्टूडियो में बैठा, मेरे पास फुल स्पीड में फैन भी शुरू है,
ये ऑडियो सुन के आप खुद ही जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलती है। गेमिंग की मैं बात करूँ तो ट्रूक एंड रियलमी यहाँ पे दोनों में आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिलता है। ट्रूक में अप टू 85 मिलीसेकंड्स, रियलमी में 88 मिलीसेकंड्स, कोई खास ऐसा फर्क नहीं है। साउंड कोर यह गेमिंग मोड नहीं है एंड गेमिंग लेटेंसी अप्रॉक्स 110 मिलीसेकंड्स के आसपास, जो मेरे हिसाब से इतनी कुछ खास नहीं है। तीनों ही कुछ खास नहीं है अगर कॉम्पिटेटिव गेमिंग की बात किया जाए, बट कैजुअल गेमिंग में मेरे लिए रियलमी एंड ट्रूक दोनों में से मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आईपी रेटिंग की बात करूँ तो साउंड कोर में आपको IPX5 देखने को मिलता है, बाकी दो में आपको IPX4। IPX5 मतलब आप ज्यादा हद तक बारिश बर्दाश्त कर लेगा, बाकी दो भी एक लिमिट तक कर सकते हैं, बट यहाँ पे साउंड कोर थोड़ा सा ज्यादा कर लेगा। बैटरी लाइफ के बारे में बात की जाए तो बड से मुझे अप्रॉक्सिमेटली 6 घंटे की बैटरी लाइफ मिली एंड कंपनी ने क्लेम किया केस के साथ 60 आवर्स, मेरा यूजेज 45 आवर्स के आसपास। 1300 रुपये का प्रोडक्ट है। और यहाँ पे भाई डिस्प्ले बैटरी इंडिकेटर भी देखने को मिला, एक छोटा सा डिस्प्ले दिया जहाँ पे बैटरी पता चल जाती है। उसी जगह रियलमी यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया 20 घंटे, मेरा यूजेज 16 घंटे के आसपास। एंड अगर बड्स की बात करूँ तो 4 घंटे पर बड। एंड अगर साउंड कोर की बात की जाए, इसके बारे में मैंने पहले बताया है, साउंड कोर में पर बड कंपनी क्लेम करती है 6.5 आवर्स, मेरा यूजेज 5.5 घंटे, जो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। एंड केस की बात करें तो कंपनी क्लेम करिए 25, मेरा यूजेज 21-22 घंटे के आसपास। सो भाई फाइनली वर्डिक्ट, ट्रूक Q1 1300 रुपए के, क्या आपको ये लेने चाहिए या ऊपर एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना चाहिए? मेरे हिसाब से ट्रूक Q1 ही लेने चाहिए। उस पे 300 नहीं डालना है एक्स्ट्रा, उस पे 500 नहीं डालना है साउंड कोर में एक्स्ट्रा। क्यों? सेम साउंड, केस का क्वालिटी थोड़ा सा उनसे अच्छा देखने को मिल रहा है, प्लस यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया है बैटरी इंडिकेशन के लिए। बैटरी लाइफ सॉलिड है, सॉलिड मतलब ऑलमोस्ट 2-3 गुना उन प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। एंड टच कंट्रोल सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिलता है जो आपको साउंड कोर में तो मिलता भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, टाइप सी पोर्ट मिलता है 1300 रुपए में। ये रियलमी 1600 का प्रोडक्ट दे रहा है, बेशरम जैसा माइक्रो यूएसबी दे रहा है, पूरा डाइजो के बड्स का कॉपी है। और मैंने पहले ही बता दिया डाइजो के बड्स नहीं लेना, सेम मैं बता रहा हूँ रियलमी बड्स Q2 नियो नहीं लेना। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।